जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। और ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर हमारा, ये हमारा फार्म स्ट्रक्चर पावर एस मकैनरी का है। आप लोग को बता दूँ कि जो बीएससी एग्रीकल्चर की जो क्लासेस है, ठीक है, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग को बता दूँ कि जो इसके अगला यानी कि फोर्थ सेमेस्टर की भी क्लासेस कुछ दिन में चालू कर दूँगा, ठीक है। तो बस वीडियो पर प्यार दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि ये 2016 का पेपर है, तो इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को बता दूं कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को वो देखना अनिवार्य है। इसमें दिया गया हमारा एक सीट ड्रेस 1.25 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, उसमें 8 बीज गिराने के नलके लगे हैं, ठीक है। और फरो ओपनर एक दूसरे से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि कार्य क्षमता 65% है तो 7 हेक्टर की बुवाई में कितना समय लगेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया हमारा एक सिलेंडर चतुर्घात चक्र अंतर्दहन इंजन निम्न विवरण के साथ 34 BHP उत्पन्न कर रहा है। इंजन का आकार 14x18 सेंटीमीटर है। मध्यमान प्रभावी दाब 7 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। इसके बाद इंजन की 4800 चक्कर प्रति मिनट है। इसके बाद इंजन की यांत्रिक दक्षता जो हमारी है, इसकी गणना करना हमें, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया सेक्शन बी में हमारा 15 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें दिया गया पहला हमारा घिरनिया, इसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। इसके बाद दिया गया तीसरे नंबर पर प्लांटर, इसके बाद चौथे नंबर पर हमारा तवेदार हल्की कार्य प्रणाली, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया गया हमारा अलाइनमेंट ऑफ मोवर, ठीक है। इसके बाद दिया गया हमारा इंपेलर, ठीक है। इंपेलर क्या होता है, यह जो होता है क्या करता है, कैमशाफ्ट और इंजन को जोड़ता है इंपेलर, ठीक है। इसके बाद मुर्गी गृह का मतलब क्या होता है कि जो मुर्गियाँ जो होती है कहाँ पर निवास करती है, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। और ये किस चीज़ का बना होता आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद जनित्र यानी डायनमो, विद्युत मोटर और डायनमो जो होता है, ठीक है। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है इंजन के भाग, ठीक है। जो हमारे इंजन होते हैं इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसके बाद दिया गया कृषि मशीनीकरण के लाभ बताइए, ठीक है। इसके बाद दिया गया पेट्रोल इंजन, देखिए इंजन दो प्रकार के होते हैं, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, ठीक है। इसके बाद दिया गया 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, ठीक है। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के बारे में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया है ट्रैक्टर की स्थानांतरण प्रणाली। इसके बाद पेट्रोल इंजन के कार्य लिखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिया गया मोटर के सहायक भाग। इसके बाद ट्रैक्टर के प्रकार, ट्रैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा बाग वाला ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया प्रश्न, एक मिनट थोड़ा वेट कीजिए। इसके बाद ये हल के सहायक भाग, जैसे हमारा मोल बोर्ड होता है, ठीक है, रोलर कह रहा हूँ। इसके बाद हमारा तावा होता है, ठीक है। इसके बाद मोल्ड बोर्ड हो गया, तवा हो गया, ठीक है। तो ये सब हल के सहायक भाग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया सेक्शन सी में हमारा कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न दिए गए इसमें से। अंतर्दहन इंजन को परिभाषित कीजिए, अंतर्दहन इंजन का विस्तार से वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्प्रेयर क्या है। देखिए हमारा एक स्प्रेयर होता है, एक मोवर होता है। स्प्रेयर क्या होता है कि रसायन को द्रव के रूप में मतलब छिड़काव करता है। स्वच्छ नामांकित चित्र की सहायता से नैपसैक स्प्रेयर का चित्र बनाइए तथा उसके कार्य लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एक चार तल वाला हल, ठीक है, जिसके प्रत्येक तल की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। एक ट्रैक्टर द्वारा 1/2/3 मीटर प्रति सेकंड के चाल से खींचा जा रहा है। मृदा का प्रतिरोध 0.7 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर एवं कुड़ की गहराई 180 मिलीमीटर है। तो ट्रैक्टर की ड्राव और अश्वशक्ति गणना कीजिए, ठीक है। अश्वशक्ति की गणना करना आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।